करेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की डिफेंस कॉलोनी में भी विजयदशमी के शुभ अवसर पर कॉलोनी और आसपास के बच्चों ने भव्य बाल रामलीला मंचन का आयोजन किया, जहां लव कुश ने राम दरबार में राम कथा का सुंदर प्रस्तुतीकरण किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे, जहाँ उन्होंने कहा कि रामलीला नई पीढ़ी को संस्कारित करने का प्रभावी माध्यम है। हमें अपने बच्चों को ये अवश्य बताना चाहिए कि रावण को क्यों जलाया जाता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी बाल कलाकारों और उनका मार्गदर्शन करने वाली टीम को पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण आयोग उषा नेगी, डिफेंस कॉलोनी समिति के अध्यक्ष टीपी कुंडलिया, पूर्व सैनिक सेवा परिषद के प्रदेश मंत्री देवेंद्र डोभाल भी मौजूद रहे। आपको बता दें, आज देहरादून में इसको लेकर लगातार चर्चाएं रही कि किस तरीके से कल देहरादून के डिफेंस कॉलोनी में रामलीला का मंचन हुआ, जहां पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात और अनोखी बात इस रामलीला की ये रही कि यहां पर बच्चों ने हिस्सा लेते हुए अलग अलग किरदारों को निभाया और सांस्कृतिक ढंग से इसका प्रस्तुतीकरण किया।